हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉर किड्स तो बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेकर आई हूँ जैसा कि हमारा स्टोरी का सेशन चल रहा है उसमें आज की हमारी स्टोरी है द विंड एंड द सन तो चलो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है तो ये देखिए पहले हम स्टोरी की पिक्चर देखते हैं देन अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं वंस द विंड एंड द सन हैड एन ऑर्ग्यूमेंट ऑर्ग्यूमेंट करना होता है बच्चों बहस बहस हो गई दो लोगों के बीच में जो बहस होती है उसको ऑर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो वंस द विंड एंड सन हैड एन ऑर्ग्यूमेंट आई एम स्ट्रोंगर देन यू वो बोल रहे हैं वो दोनों बोल रहे हैं मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ सेट द विंड ऐसा विंड ने बोला कि मैं सन से ज़्यादा ताकतवर हूँ नो यू आर नॉट सेट सन अब सन बोल रहा है नो यू आर नॉट तुम नहीं हो सेट द सन सन ने ऐसा बोला जस्ट एट दैट मोमेंट दे सॉ अ ट्रैवलर उसी मोमेंट उन्होंने देखा कि एक ट्रैवलर जा रहा था ट्रैवलर मतलब यात्री जो जाते हैं ट्रैवलर टी ट्रे, आर ए वी ई एल ई आर ट्रैवलर वॉकिंग अक्रॉस द रोड वो रोड को पार करके वहाँ से निकल रहा था ही वॉज इन अ शॉल वो उसने अपने आप को रैप किया हुआ था शॉल से मतलब शॉल उसने उड़ी हुई थी पूरी पूरी जैसे शॉल उड़ते हैं वैसे द सन एंड द विंड द सन एंड द विंड एग्रीड दैट हु एवर कुड सेपरेट द ट्रेवलर्स फ्रॉम हिज शॉल शॉल वॉज स्ट्रोंगर तो कब क्या हुआ द सन एंड द विंड एग्री दोनों सन और विंड दोनों सहमत हो गए एग्री मतलब सहमत राजी हो गए दैट हु एवर कुड जो भी उन दोनों में से जो भी सेपरेट कर देगा सेपरेट मतलब अलग करना होता है बच्चों द ट्रेवलर्स फ्रॉम हिज शॉल मतलब उसकी जो शॉल है वो वो हटा दे वो कर देगा वो स्ट्रोंगर होगा ठीक है तो द सन टुक द फर्स्ट टर्न द सॉरी द विंड टुक द फर्स्ट टर्न अब विंड का फर्स्ट विंड ने जो फर्स्ट टर्न लिया पहला नंबर विंड का आया फिर देखते हैं क्या होता है ही ब्लू विद ऑल हिज माइट टू टीयर द ट्रैवलर शॉल ही ब्लू ब्लू मतलब वो फूकते हैं ना हवा फूकते हैं ही ब्लू विद ऑल हिज माइट टू टीयर द ट्रैवलर शॉल फ्रॉम हिज शोल्डर्स मतलब उसने पूरी ज़ोर से ऐसे हवा निकाली पूरी अपनी ताकत लगा दी बट द हार्डर ही ब्लू लेकिन जितनी वो तेज हवा कर सकता था ब्लो हवा उतनी उसने करी द द द टाइटर द टाइटर द ट्रैवल ग्रिप्ड द शॉल टू हिज बॉडी टाइटर मतलब उसने और कस के टाइटर द ट्रैवलर ग्रिप्ड द शॉल टू हिज बॉडी और उसने उसको अच्छे से शॉल को पकड़ के और पकड़ लिया अच्छे से द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड्स टर्न वॉज ओवर वो विंड कोशिश करती रह करता रहा कि वो अपनी उसकी शॉल हटा दे ट्रैवलर की पर वो कर नहीं पाया वेंट ऑन टिल द विस् टन वॉज ओवर अब विंड का टर्न ओवर हो गया नाउ इट वॉज द सन स्टर्न अब सन का टर्न आया द सन स्माइल्ड वार्मली सन जो है वो अपनी सन गर्म होता है वो वार्मली उसकी जो वार्म थी गर्मी थी उसको दिखाकर वो हंसा. द सन मतलब उसका हंसना मतलब कि सन का बहुत और तेज शाइन करना द सन स्माइल्ड वॉर्म द ट्रैवलर फेल्ट द वॉमथ ऑफ द स्माइलिंग सन अब जो जा जो ट्रैवलर था उसको तुरंत ही फेल्ट मतलब महसूस हुआ वॉम्थ यानी गर्मी ऑफ द स्माइलिंग सन स्माइलिंग सन की जो गर्मी थी उससे उसको गर्मी लगने लगी सून ही लेट द शॉल फॉल ओपन जल्दी ही उसने अपनी शॉल को ओपन कर दिया क्योंकि उसको गर्मी फील हो रही थी द सन्स स्माइल ग्रीव वार्मर एंड वार्मर सन जो है वो और तेज़ अपनी स्माइल बढ़ाता जा रहा था और गर्मी उसको लगती जा रही थी हॉटर एंड हॉटर द सन्स स्माइल ग्रीव वार्मर एंड वार्मर हॉटर एंड हॉटर नाउ द ट्रैवलर नो लॉन्गर नीडेड हि शॉल अब वो ट्रैवलर को इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको शॉल की जरूरत ही खत्म हो गई ही टुक इट ऑफ एंड ड्रॉप डिट ऑन द ग्राउंड उसने उस शॉल को उठाया और मैदान वही ग्राउंड में जमीन में रख दिया द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रांगर देन दिन तो अब क्या हुआ दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई थी सन जो है द सन वॉज डिक्लेयर स्ट्रॉन्गर द विंड सन जो है वो ज़्यादा ताकतवर निकला तो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था ब्रूट ब्रूट फोर्स कांट अचीव ब्रूट फोर्स कांट अचीव वॉट अ जेंटल स्माइल कैन मतलब कि अगर आप अपने में ही बोलते रहते हो कि मैं तो मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ तो वो जो है ना एक अच्छा वॉयेंट ब्रूट का मतलब होता है वॉयेंट पर्सन जो कि अच्छा ना हो जो वॉइलेंट पर्सन होता है कांट अचीव वो कभी भी नहीं पा सकता है उन चीज़ों को वॉट अ जेंटल स्माइल कैन डू जो कि आप केवल हंस के कर सकते हो अगर आप किसी के साथ ऐसे केवल हंस के कोई चीज करोगे अच्छा व्यवहार करोगे किसी के साथ तो आप, आपके साथ अभी वैसा ही होगा तो अब आज मैं इस स्टोरी के एंड में आपसे बच्चों को एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है क्वेश्चन है वॉट डिड द विन डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ ठीक है बच्चों फिर से सुन लो वॉट डिड द विन डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है देना है और ये भी मुझे बताना है कि आज की स्टोरी बच्चों को कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो आप ये स्टोरी को वापस देख सकते हो फिर से सुन सकते हो और इस स्टोरी का मजा ले सकते हो तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और देख पाओगे इस चैनल में